बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों को खुशामदीद करता हूँ। तो दोस्तों, कराची में आकर मेरा सबसे पहले प्लान ये था कि मैं इस जगह को एक्सप्लोर करूँ, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से और मामूल लोगों मेरे तो मसरूफियात की वजह से नहीं, लेकिन मामूल लोगों की मसरूफियात की वजह से ये लोग मुझे यहाँ पर नहीं ला सके, क्योंकि काफ़ी दूर था ये हमारे जिस जगह हम रहते थे उससे। तो आखिर अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं इस जगह में आज इसको एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ। ये सजाद मामू को, सजाद भाई को फर्स्ट टाइम घोड़े पे बैठाया, देखो बहुत ज़्यादा दौड़ाया इसने भी, मैं भी थक गया क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था। जब ये घुड़सवारी कर रहा तब टक्कर मारोगे, देखो यहाँ से। फर्स्ट टाइम घोड़े पे के ऊपर बैठने का एक्सपीरियंस जी बहुत अच्छा रहा। जितना मुझे इस घोड़े ने इतना नहीं चढ़ाया जितना सजाद को चढ़ाया था। तो आज की हमारी व्लॉग में हमारे साथ देंगे सजाद भाई और शराजम मामू और तनवीर। और अभी जो हम आए हैं तकरीबन 5-6 बजने वाले हैं, और यहाँ पे लोग अपने फैमिलीज़ के साथ भी आए हुए हैं। और आगे देखें लहरों में छोटे बच्चे जी खेल रहे हैं। ये जो बच्चा था ये अंदर डूब ही गया था और कैमरे को देखकर भाग रहा है, देखे। और अनफॉर्चुनेटली जो मेरा माइक था वो जी उसके अंदर पानी गया और वो काम करना छोड़ दिया उसने। तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, जो अभी कर रहा हूँ। देखे बहुत खूबसूरत लहरें भी आ रहे हैं। जब घर में मैं पहुँच गया तभी मुझे पता चला कि जी माइक के अंदर तो पानी गई हुई है। ये लहरें, ये मुझे बहुत पसंद आए वहाँ सी वी में। तो मैं बहुत शौक से गया था जी कि व्लॉग इस तरह एक्सप्लोर करूँगा इस जगह को, कि पता नहीं क्या सोच के गया था और क्या हो गया जी, माइक के अंदर पानी गया। और जी पूरा जी इस व्लॉग का जी मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया विदाउट माइक। और वो माइक तो वहाँ पे लगी हुई थी, लेकिन घर में आया तो देखा कि आवाज़ ही नहीं आ रही है किसी भी वीडियो की। फर्स्ट 2-3 वीडियोस थे उनकी जी आवाज़ आ रही थी, बाकी किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही थी। और अभी सनसेट बन गई है, देखे बहुत खूबसूरत। और जब पुरुख होगी ये सूरज तो और भी अच्छी सनसेट बनेगी।
और हम तकरीबन मैं पूरा गीला हो गया था लास्ट तक, क्योंकि मैं बहुत अंदर तक गया था। और जी मेरे देखे पैसे भी पूरे गीले हो गए, अभी मैं बैग में रख रहा हूँ और बैग भी पूरा जी गीला ही हो गया था। तो अभी देखें मैं, और जो लहरें जो आते हैं ये बहुत इंजॉयमेंट देते हैं ये लहरें। तो जी और भी बहुत सारे क्लिप्स पड़े हुए हैं मेरे पास जिसमें आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है, मैं बराबर भी नहीं कर सका, वॉइस ओवर करके उनको बराबर नहीं कर सका। तो अभी देखिए मैं इसमें क्या बोल रहा हूँ, मुझे ख़ुद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने बहुत सोचा कि मैं वॉइस ओवर करूँ इसमें जो बोल रहा हूँ वो, अभी भी वॉइस ओवर करके मैं क्लियर करूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ मैं अब डिस्क्रिप्टेड व्लॉग्स नहीं बनाता हूँ, आप लोगों को पता है, रेंडमली जो भी मुँह में आता है वो बोलता हूँ। तो वहाँ पर भी ये सीन था, जो मेरे मुँह में आ रहा था मैं वो बोल रहा था, अगर डिस्क्रिप्टेड होता तो मैं यहाँ से वॉइस ओवर कर सकता था। तो अनडिस्क्रिप्टेड व्लॉग का यही नुकसान होता है जी। तो दोस्तों कुछ वीडियो क्लिप्स भी हमने मिस कर दिए हैं, तो माजरत, और वॉइस भी अच्छी तरह क्लियर हम नहीं कर पाए। तो फिर भी आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमें उम्मीद है आप लोगों से। और व्लॉगिंग के रिलेटेड आप हमें कुछ टिप्स लाजमी हमें शेयर करें कमेंट सेक्शन में, ताकि आने वाले वीडियोस आप लोगों को और अच्छी लग सके। तो आखिर में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद कीजिएगा, बहुत सारे दुआओं में। अल्लाह हाफिज़।